हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अजेलिया प्लांट के बारे में बात करूंगी। स्पेशली मैंने वीडियो बनाने के लिए खरीदा। हमारे यहाँ अजेलिया कम चलता है राजस्थान में। ये ठंडे रीजन्स का प्लांट है और ठंडे इलाके या हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे ठंडक रहती है, वहाँ पर तो ये बड़ा हार्डी प्लांट माना जाता है। और बाकी प्लेन्स में ये जो है विंटर का प्लांट माना जाता है और ठंड पसंद करता है ये प्लांट। इसलिए इसको मतलब जैसे 16 से लेकर 22, 25, मैक्सिमम 28 तक का टेम्परेचर रहे जहाँ का, दिन में के टाइम भी वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करता है। रात का 16 वगैरह इसको पसंद है मेनली। दिन में तो थोड़ा सा ज्यादा भी चल जाता है। रात का टेम्परेचर दिन में भी बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 28-30 तक चले, उन एरियाज में ये ज्यादा ग्रो करता है। तो ये जो प्लांट है ये बुश एज अ बुश ग्रो करता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसको रूट बाउंड कंडीशंस पसंद नहीं है, थोड़े से बड़े गमले में लगाना चाहिए। मेरा बहुत छोटा था इसलिए मैंने अभी इसको छोटे गमले में लगाया है, क्योंकि नए देखिए नया प्लांट है। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि इसको बहुत ज्यादा मिट्टी अगर गीली हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी, तो इसकी रूट्स जो है वो सॉगी हो सड़ जाएंगी, रॉट हो जाएंगी। और अगर इसको मॉइस्चर भी हर वक्त बहुत जरूरी है, अगर इसकी मिट्टी ज्यादा सूखी रहेगी तो आपका पौधा मर जाएगा। इसकी मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है, जैसे ये है इस टाइम, ये देखिए ऐसे मॉइस्ट रखना है। जरा सा आपको ऊपर की लेयर मिट्टी की जो है वो ड्राई दिखती है, उस टाइम आप इसको पानी दें और इसकी मिट्टी को आप जो है वो मॉइस्ट रखें। तो इसलिए इसको जो है मतलब इसका जो साइज है पौधे का, उससे उसके अकॉर्डिंग थोड़े से बड़े पॉट में लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप इतना छोटा पौधा है, मेरा इतना छोटा पौधा है, इसको 16 इंच में लगा दें, या मुझे अपने पौधे के हिसाब से इसका ये 9 इंच वाला साइज अभी ठीक था। और जरा सा रूट बाउंड होने लगे तो बड़े गमले में लगा दो इसको। ये बात इसके साथ है कि गमला इसका बदलते रहें, बड़ा करते रहें। ऐसा नहीं है छोटे को बहुत बड़े गमले में लगा देंगे तो देखिए बड़े गमले में मिट्टी ज्यादा आती है, मिट्टी ज्यादा आती है तो उसमें उतना ही मॉइस्चर होगा सारी मिट्टी में। हम पानी तो देंगे सारे गमले को, तो वो फिर उसका ज्यादा पानी मॉइस्चर और उससे आपका पौधा जो है वो गल जाएगी जड़ें इसकी। तो इसलिए इसको तो है इसके गमले का साइज जो है वो बदलते रहे पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है। अब हम मिट्टी की बात करें तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी बहुत पसंद है। वेल ड्रेन मिट्टी भी होनी चाहिए और ऐसी भी होनी चाहिए कि जो सूखे नहीं बिल्कुल, जैसे कैक्टस वगैरह की मिट्टी हम बनाते हैं वो बहुत वेल ड्रेन्ड होती है लेकिन वो फिर फटाफट सूख जाती है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता। लेकिन इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें थोड़ा थोड़ा वो मॉइस्ट भी रहे, जैसे ये दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ऐसी हल्की सी मॉइस्ट भी रहे, बिल्कुल नहीं सूखे, और ज्यादा ऐसा नहीं है कि पानी दे दिया तो बिल्कुल गीली हो जाए। और साथ में ही इसकी मिट्टी एसिडिक भी होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी एसिडिक नहीं है तो अजेलिया प्लांट आपके यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। तो एसिडिक बनाने के लिए मिट्टी में हम लोग पता क्या करते हैं, कंपोस्ट, जो हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। देखिए इसमें आप गोबर खाद ना डालें इस पौधे में, क्योंकि गोबर की खाद कितनी भी सड़ी हुई हो सकता है आपकी इतनी अच्छी आपको डिकम्पोस्ट नहीं मिले, तो उसमें गर्मी रहती है गोबर की खाद में। अगर वो बहुत बिल्कुल 2-3 साल पुरानी नहीं है तो उसमें गर्मी रहती है, तो गर्मी इस पौधे को नहीं चाहिए, इसकी जड़ों को ठंडक चाहिए। तो इसमें हम कौन सी खाद मिलाएंगे, या तो हम पत्ती की खाद मिलाएंगे, या जैसे अपन घर में जो किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं वो भी अच्छी डिकम्पोस्ट है ना, वो ठंडी होती है, और या वर्मी कम्पोस्ट जो केचुए की खाद मिलती है बाजार में वो भी ठंडी होती है, क्योंकि केचुए क्या है उसको खाते हैं सारी चीजों को पहले। उसमें भी देखिए गोबर खाद भी होती है, उसमें पत्तियां भी होती हैं, सब कुछ डालते हैं उसमें, तो केचुए उन सब चीजों को खाते हैं और फिर निकालते हैं, उनके जो फेसेस होते हैं वो होती है खाद। इसलिए वर्मी कम्पोस्ट भी ठंडी होती है, तो वर्मी कंपोस्ट इसमें हम यूज करेंगे या फिर पत्ती की खाद इसमें यूज करेंगे। तो फिर ये जो खाद होती है ना, कोई भी जैसे वर्मी कंपोस्ट है या पत्ती की, ये एसिडिक होती है नेचर में, ऑर्गेनिक ये वाली जो खादें होती हैं, तो ये हम ज्यादा से ज्यादा मिलाएंगे अपने पौधे में। ये जो ऑर्गेनिक मेन्योर होती है इसका दो फायदे होते हैं, एक तो ये एसिडिक होती है, 90% जो प्लांट्स होते हैं उनको और स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो ये जो खाद होती है ये एक तो एसिडिक बनाती है हमारी सॉइल को, और दूसरा आपने देखा होगा खाद वर्मी कंपोस्ट जब आप बाजार से भी लाते हैं तो ये हल्की हल्की मॉइस्ट होती है,
तो इन खाद चाहे गोबर खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे पत्ती खाद हो, इन सब में एक क्वालिटी होती है कि ये जितना पौधे को जरूरी है उतना मॉइस्चर होल्ड कर लेती है। जब भी आप गमले को पानी देंगे तो खाद उसमें, खाद हमारा मिट्टी में मिक्सचर में मिक्स करने का एक कारण ये भी होता है, अदरवाइज हम खाद को ऊपर भी दे सकते हैं वो भी पानी के साथ जड़ों में ही जाएगी। खाद को हम मिट्टी के साथ इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि खाद की प्रॉपर्टी होती है कि वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है, दूसरा उसमें जितना पौधे को जरूरत होती है मॉइस्चर की उस मॉइस्चर को होल्ड करती है, इसलिए हमारे पौधे की जड़ों को कभी भी सूखा नहीं रहने देती, हल्का सा मॉइस्ट रखती है। तो चलिए हम मिट्टी पे बात करते हैं कि मिट्टी इसकी कैसी बनानी है। देखिए जो क्ले होती है ना, जहाँ पे जिन एरियाज में क्ले मिलती है वहां पे ये क्ले में नहीं उगता है क्योंकि क्ले वाली जो सॉयल है वो एल्केलाइन होती है थोड़ी नेचर में। तो अगर आपको क्ले है जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया में अजेलिया को उगाना है तो एक तो मैंने कहा ये सर्दियों में उगेगा, अगर आपके यहाँ गर्म इलाका है, नॉर्मल प्लेन्स है, ठंडे इलाकों में तो ये 12 महीने चलता है और बचाने की कोशिश करें तो बच सकता है, जहां गर्मी थोड़ी कम होती है उन जगहों पर। राजस्थान में मैं कोशिश पूरी करूंगी, मुझे नहीं लगता ये बचेगा। फिर भी चलिए मिट्टी की बात करते हैं। क्ले सॉइल जिनके आए हैं वो क्या करें कि मिट्टी नहीं यूज करें इसको बिल्कुल भी, इसमें वो क्या करें दो हिस्सा तो ले लें, जिनके यहाँ क्ले है उनकी बात पहले कर लेती हूँ चलिए, कि दो हिस्सा तो खाद ले लें वर्मी कंपोस्ट या पत्ती की खाद ले लें और एक हिस्सा वो सैंड का ले लें और उसमें आधा हिस्सा जो है वर्मी कोकोपीट का मिला लें, एक हिस्सा सैंड, दो हिस्सा कंपोस्ट और आधा हिस्सा उसमें कोकोपीट का मिला लें। और अगर आपको सैंड नहीं मिल रही है तो आप सैंड की जगह एक हिस्सा कोकोपीट ही मिला लें बस, फिर आप कंपोस्ट और कोकोपीट से मिला के मिट्टी बना लें, लेकिन हल्की सी सैंड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें आप फिर अपने वहां की सॉइल मिक्स ना करें, अगर आप क्ले सॉइल है आपके एरिया में इसको उगाने के लिए। तो ये तो मैंने उन लोगों की बात की जिनके यहाँ क्ले वाली मिट्टी मिलती है, और जिनके यहाँ नॉर्मल मिट्टी मिलती है वो इसकी सॉइल कैसे बनाएं, दो हिस्से तो अच्छी तरह से सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट लें जिसको कहते हैं, केचुए वाली खाद लें या अच्छी तरह से सड़ी हुई पत्ती की खाद लें, तो दो हिस्से तो खाद लें। अगर आपके पास दोनों खाद हैं, वर्मी कंपोस्ट भी है और पत्ती वाली खाद भी है जिसको, या किचन वेस्ट वाली खाद भी है, तो दोनों को मिक्स कर लें आप और उस मिक्सचर का आधा आधा दोनों को मिक्स कर लें और उस मिक्सचर का दो हिस्सा जो है आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट लेनी है। दो हिस्से तो आप कंपोस्ट लीजिए और फिर उसमें क्या कीजिए, आधा हिस्सा रिवर्स सैंड का मिलाइए, आधा हिस्सा आपके जहां आप रहते हैं वहां की मिट्टी मिलाइए और आधा हिस्सा उसमें आप कोकोपीट मिलाइए। ये तीनों चीजें आधा आधा हिस्सा लेनी है और दो हिस्से आपको कंपोस्ट लेनी है। मतलब आपने कोई भी मेजरमेंट रख लिया, जैसे आपने एक कटोरी रख ली है तो आपने दो कटोरी तो लेनी है ऑर्गेनिक कंपोस्ट और आधी कटोरी लेनी है आपको सैंड रिवर सैंड, आधी कटोरी लेनी है आपको अपने एरिया की मिट्टी और आधी कटोरी आपको लेनी है कोकोपीट। कोकोपीट भी एसिडिक होती है नेचर में, तो वो भी जो मीडियम को है वो सॉफ्ट और ऑर्गेनिक, इसकी मिट्टी जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए इसकी मिट्टी। और अगर कई लोगों के वहां पे वो मिलता है क्या, राइस हस्क मिलता है जिसको क्या कहते हैं, धान का क्या बोलते हैं वो हस्क होता है, छिलका होता है चावल का, वो चावल का छिलका इसको बहुत पसंद है, तो चावल का छिलका अगर मिलता है तो थोड़ा सा चावल का छिलका भी आप मिट्टी में मिला लें क्योंकि वो मिट्टी को वही एक तो वेल ड्रेन बनाता है और दूसरा एसिडिक बनाता है, वो एसिडिक नेचर में होता है। तो इसको 5 से 6 अगर आपके पास पीएच मीटर है, मेरे पास तो नहीं है पीएच मीटर, तो चेक कर लें, वैसे ऐसा कोई जरूरत नहीं होती है पीएच मीटर की, अगर आप कंपोस्ट अच्छा सा मिला देंगे इसमें तो आपका जो प्लांट है वो उसको एसिडिक मीडियम मिल जाएगा। और एक चीज अब मैं यहाँ कर रही हूँ तो मुझे याद आ गई कि जब जिस लेवल पे ये आपको नर्सरी पॉट में लगा हुआ मिलेगा, मैंने इसमें इसको क्या किया है, जो नर्सरी पॉट में लगा हुआ था जो मेरे, मैंने इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ के लिए ये बहुत डेलिकेट प्लांट है, तो वैसे ही हार्डी माना जाता है ठंडे इलाकों में, लेकिन हमारे यहाँ गर्म है, जस्ट ऑपोजिट हो गया इसका,
तो जैसे कोई पहाड़ों में अडेनियम उगाए तो उसको प्रॉब्लम आएगी ना, वही चीज यहाँ आती है। तो इसका ये जो क्राउन है ना, ये देखिए जो मैंने दो उंगलियां रखी हुई हैं, ये देखिए ये हिस्सा जहां से ये सारा पौधा निकल रहा है, ये वाला, ये क्राउन जो है इसका, ये चीज जो है क्राउन, ये मिट्टी से ऊपर रहनी चाहिए। एक्चुअली मैं इसको रिपोर्ट कर रही थी तभी इसकी वीडियो बना देती, लेकिन दिया का एग्जाम था तो पढ़ाई में बिजी थी तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसका मंडे को एग्जाम था दिया का, मैंने संडे को रिपोर्ट किया है। ये तो ये हिस्सा ऊपर रहना चाहिए, मतलब जहाँ नर्सरी पॉट में जो हिस्सा ऊपर आया है आप उसको, ये नहीं है मिट्टी डालते समय उसको यहाँ तक दबा दें, उससे भी फिर आपका ये पौधे की निचला हिस्सा सड़ जाएगा। जहां तक नर्सरी पॉट में ही ऊपर आया है उसी लेवल तक इसको, उससे ऊपर मिट्टी नहीं करेंगे आप अपने गमले। अब जैसे इसका सीजन है, फ्लावरिंग का सीजन है, इस सीजन में अब आप इसको वीकली जो है वो कंपोस्ट ही दीजिए। कंपोस्ट ही कैसे बनानी है उस पर मेरा एक वीडियो है अलग से, जिसको ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर कहती हूँ मैं, तो वो कैसे बनानी है कंपोस्ट ही नाम से भी वीडियो है, वो आप वीकली इसको देंगे और आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उनको देंगे, मतलब इसको भी देना है आपको वो। और इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर लें। फिर जब मैं पानी की बात मैंने आपको बताई दी कि जब ऊपर की लेयर सूखी मिले, मिट्टी इसकी आपको मॉइस्ट रखनी है, गीली नहीं रखनी है ना। और फिर मैं आप धूप की बात कर लेती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धूप इसके लिए। धूप की जब मैं बात करती हूँ तो धूप इसको बिल्कुल मॉर्निंग की जो थोड़ी सी सुबह सुबह का जो सूरज होता है ना, एक आधे घंटे का जब उगता है, मतलब आप समझ लो 9 बजे तक का, बस इतना सा इसको सूरज, या अगर देर से आपके आता है तो 10 मैक्सिमम तक का सूरज इसको मिल जाए, सारा दिन दोपहर की बहुत जो तेज धूप होती है उससे बचाएं। हाँ अगर आप ठंड पड़ रही है आपके यहाँ बहुत है, जैसे हम, मैं राजस्थान में हूँ तो मैं वैसे हमारे यहाँ तो इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में आप रख दो तो बहुत है, ज्यादा ज्यादा सुबह की थोड़ी सी धूप इसको मिल जाए बहुत है। थोड़े और ज्यादा ठंडे इलाके हैं तो सुबह सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, 3 की मिल जाए बस, उसके ज्यादा धूप इसको, दोपहर की जो धूप है उसमें अगर आपने इसको रख दिया तो इसके फूल पत्ते सब सड़ जाएंगे। तो सुबह सुबह की धूप या इनडायरेक्ट लाइट, एक्चुअली इसको जो बेस्ट लाइट पसंद है वो है कि कोई पेड़ वगैरह होते हैं ना उनके नीचे जो डैपल्ड लाइट आती है ना, पेड़ों में से छन के जो आती है, वो इसको सबसे ज्यादा बेस्ट है इसके लिए, वो ऐसी वाली लाइट। तो उसको देने के लिए हम, मैं कह रही हूँ कि सुबह सुबह की धूप दे दें, बाकी दिन इसको छाया रहे, ऐसी जगह पे इसको रखें। मैं भी इसको ऐसी जगह पे रखने वाली हूँ, और ठंड तो आजकल मिल ही जाएगी, टेम्परेचर तो इसको ठंड का मौसम ही है ये। अच्छा क्या होता है कई बार इसको धूप भी पसंद नहीं है और बहुत ज्यादा छाया में रखना पसंद नहीं है। मैंने लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर मैं लेके आई थी तो मैंने इसको छाया में अपने ग्राउंड फ्लोर में रख दिया, मैंने कहा अजेलिया है इसको धूप नहीं दे। बिल्कुल छाया में आप इसको रखेंगे तो भी इसकी ग्रोथ नहीं होगी, पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी और सारी पत्तियां धीरे धीरे झड़ जाएंगी, तो बिल्कुल छाया में भी नहीं रखना है इसको। इसको सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप मिले या इनडायरेक्ट अच्छी गर्माइश मिलती रहे इसको, तो ये पौधा सबसे बेस्ट चलेगा। दोपहर की धूप इसको नहीं लगनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इसकी सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो तो फिर हमें खाद देनी पड़ेगी। वैसे कंपोस्ट जब हम हर वीकली देंगे तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती नहीं है, पर कई बार जमीन में आप लगाएं नहीं दें तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का सिम्टम क्या होते हैं, और प्लांट के लिए भी आप देख लो, उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, मतलब ग्रोथ जो है रुक जाती है, जैसे पत्तियां हैं ये छोटी रुक जाती है कि कम, जैसे पत्तियां छोटी होएंगी, पीली पीली सी पत्तियां निकलेंगी, छोटी साइज पत्तियों का छोटा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि पत्ता, पता नहीं पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा है, पत्तियां नई जो निकल रही है वो भी मरी से निकल रही है, लाइट ग्रीन से कलर की और छोटे छोटे साइज की, और वो ये चीज जो होती है पीले पीले रंग की पत्तियां हो रही हैं और धीरे धीरे पत्तियां गिर रही हैं, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये है कि इनको नाइट्रोजन नहीं मिल रही है। जब ऐसा लगे आपको आपके पौधे की पत्ती पीली हो रही है, ये सब बाकी कंडीशन हम ठीक दे रहे हैं, छोटी हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दें। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए वही जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम देते हैं, गोबर खाद का जो डिजॉल्व घोल के बनाते हैं, जिसपे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो दे दें आप इसमें, या आपको बहुत अर्ली चाहिए तो थोड़ा सा एनपीके 19:19:19 जो है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डिजॉल्व करके वो पानी इसको दे दें एक बार 1 हफ्ते, तो उससे इसकी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी जो है वो
दूर हो जाएगी। अजेलिया की जो रूट्स होती है ना, बड़ी शैलो होती हैं, तो और इनको ठंडक सी मिलती रहे इसके लिए, इसके ऊपर क्या है, थोड़ी सी एक लेयर जो है वो वर्मी कंपोस्ट की या पत्ती की खाद की आप बिछा सकते हैं। तो और अगर आपके पास वो है, मैं कह रही हूँ चावल का जो हस्क आता है, वो भी थोड़ा सा आप ऊपर की मिट्टी में इतना सा मिला सकते हैं। वैसे बेस्ट मैं मुझे लगता है कि वर्मी कंपोस्ट का आप एक लेयर थोड़ा सा ये यहाँ से दूर, इतने हिस्से को थोड़ा सा दूर रख लें, बिल्कुल यहाँ ढेर नहीं हो, ये हिस्सा नहीं अटैच्ड हो, यहाँ दूर दूर थोड़ी थोड़ी सी आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें, तो उससे इसकी जो शैलो रूट्स होती हैं उनको ठंडक रहेगी, तो वो फिर आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अभी तो देखिए इस पौधे में, अभी तो वहां से आया है नर्सरी में, तो जहां से का ये नेटिव होगा या पहाड़ों से ही आया है, देखिए इसमें कलियां आ रही हैं, अब देखते हैं कि ये कलियां खिल जाए, और ये देखिए कितनी कलियां आ रही हैं इसमें। अगर इसको मौसम सही मिल जाए और तो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो फ्रेंड्स ये था पूरा अजेलिया की इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती थी, और स्पेशली ये प्लांट्स आपके लिए किया है, विश करिएगा ये प्लांट मेरा बच जाए, और वैसे गर्मी में मुझे मुश्किल लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।